26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, सीओ कैंपियरगंज एएसपी राहुल भाटी, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने जनपद वासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं और सभी के सुख समृद्धि तथा बहुमुखी विकास की मंगल कामना की है। अधिकारियों ने कहा कि गणतंत्र दिवस का हमारे सामाजिक जीवन में विशेष महत्व है। यह पर्व हमें हर वर्ष हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों दायित्वों का स्मरण दिलाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमिश्नर जयंत नार्लिकर, डीएम के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एएसपी राहुल भाटी, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा। सब प्रथम गणतंत्र दिवस पर मंडल के समस्त जनमानस को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि हम वो सभी प्रयास करेंगे जिससे जो सकारात्मक शक्तियां हैं जो देश को विकास की ओर अग्रसरित कर रही हैं उनको बल मिलेगा और उन सभी विघटनकारी नकारात्मक शक्तियों को हम परास्त करेंगे जो देश को कमज़ोर बनाने का कुत्सित प्रयास कर रही हैं। ये गणतंत्र और इस पर्व में हमें अपने संवैधानिक मूल्यों को भी ध्यान रखना है और उनको अपने जीवन यापन में अपने सभी क्रियाकलापों में उतारना है। आशा करते हैं हम अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी निभाने का प्रयास करेंगे, संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक परंपराओं को भी बलवान करेंगे। पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं। दिवस का अवसर पर सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। जिला प्रशासन आपके साथ है। वैसे आप जानते हैं गणतंत्र दिवस हम लोग भव्य रूप से पूरे गोरखपुर में मना रहे हैं। कलेक्ट्रेट में अभी कार्यक्रम होगी, उस पर विभिन्न कार्यक्रम होगा। जो कितने अच्छा काम किए थे कोविड के लेके वो तमाम जो चीज़ में जनता हित में उन लोगों का पुरस्कार करेंगे। उसके बाद फिर आज पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम होगा और विभिन्न जगह हम लोग वैसे फल वितरण होगा जिला अस्पताल में और जेल में भी कुछ वितरण होगा और कहाँ कहाँ जो मरीज लोग हैं कुछ लोग हैं और पीड़ित लोग हैं उन्हीं लोग का हम लोग कुछ ना कुछ मदद पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। आपसे भी मैं अपील करता हूँ, कोरोना के बीच में हम लोग मना रहे हैं, उम्मीद करेंगे ये कोरोना अभी से ही ख़त्म हो जाए, बट सतर्क रहें। ये तीन चीज़ हम बार बार बताते हैं, बिना मास्क को बाहर मत निकालिए, दो गज का दूरी और हाथ बार बार साफ करना है। ये तीनों मूल मंत्र का हमेशा याद रखें। आपका हार्दिक शुभकामनाएं। इस देश पर्व को सब लोग मिलकर मना लेंगे और जल्दी से जल्दी ये कोरोना का मिटा लेंगे। गोरखपुर जनपद के सभी नागरिकों को कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। गणतंत्र दिवस पर जनपद गोरखपुर के निवासियों को, सभी आम नागरिकों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में सभी सुखी, समृद्ध और सुरक्षित होंगे तथा देश के उत्थान में उनकी जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाएंगे। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की मेरी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं और मेरी जनता से यही अपील रहेगी कि गणतंत्र दिवस को सही स्पिरिट में लें और जो गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान पारित हुआ था उसमें जो वैल्यूज़ हमें दी गई थी उनको हम आत्मसमर्पित करें, अधिनियमित करें और उनको अपने दिल और दिमाग में उतारें। यही मेरी सबसे अपील है और फिर से सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कल गणतंत्र दिवस है और इसको बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर में भी झंडारोहण जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा और कमिश्नरी में आयुक्त महोदय के द्वारा झंडारोहण किया जाएगा और विभिन्न स्कूलों की यहाँ पर झंडारोहण के साथ साथ उनकी रैलियाँ निकलेंगी। सभी गोरखपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे बहुत बधाई दी जाती है।
सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी इसको कोरोना गाइडलाइंस के दृष्टिगत जो भी शासन की गाइडलाइंस है उसका अनुपालन करते हुए मनाएं और सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सुधाकर पांडे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर, सभी प्रदेश जिले वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। सभी लोग इस गणतंत्र दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं और अपने सारे कर्म जो हैं, कर्तव्य जो हैं, देश हित में लगाएं जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की वंस अगेन बहुत बहुत बधाई। मैं 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अपनी तरफ से और इस चिकित्सालय में कार्य करते हुए सभी चिकित्सकों और सभी सहकर्मियों की तरफ से गोरखपुर वासियों को अपने प्रदेश और अपने देश के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस अमर रहे।